नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि सब बच्चों को इंतजार था क्लास ट्वेल्थ के जो लास्ट पेपर है यानी कि फाइनल पेपर है, टर्म टू का पेपर है, उसके डेटशीट की यानी कि उसके टाइम टेबल की, तो बोर्ड ने आज ही टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। वो टाइम टेबल क्या है, कौन से दिन कौन सा पेपर होने वाला है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप जैसे आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर जो आपका पहला पेपर है वो पेपर रहेगा 2nd of May को, यानी 2nd May से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और पेपर रहेगा किसका, हिंदी का। नेक्स्ट पेपर आपका 6th को है जो सोशियोलॉजी का पेपर है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर 7th जो केमिस्ट्री का पेपर, ये ध्यान रखें। ये आप सोच रहे कि 6th के बाद 7th डायरेक्ट आ गए, तो कुछ बच्चे जैसे साइंस ले रखते हैं, कुछ कॉमर्स और कुछ आर्ट्स के बच्चे होते हैं, सभी के अलग अलग पेपर होते हैं। तो साइकोलॉजी जो आती है आर्ट्स में यानी कि ह्यूमैनिटीज में, और केमिस्ट्री साइंस फील्ड के जो बच्चे होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर किसी ने लैंग्वेज ले रखी है ना लैंग्वेज, तो वो 11th May को होगी। सारी लैंग्वेज पंजाबी, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, जितनी भी लैंग्वेज है वो 11th May को होगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट पेपर आपका 13th May को रहेगा और वो रहेगा इंग्लिश का, यानी कि जो जिन बच्चों ने जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं जो बच्चे, उन सभी बच्चों का जो पेपर है वो 13th May को होगा। 17th May को आपका बिजनेस स्टडी या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए पेपर है, तो उनका है 17th May को, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पेपर रहेगा 18th May को, वो होगा ज्योग्राफी का। जो आर्ट्स वाले बच्चे, यूनिटीज वाले बच्चे हैं वो लेते हैं पेपर को, तो ज्योग्राफी का पेपर रहेगा 18th May को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, 20th May फिजिक्स का पेपर है। ये साइंस वाले जो PCM या PCB लेते हैं उनके लिए पेपर है फिजिक्स। इसके बाद मंडे 23rd को ये पेपर रहेगा अकाउंटेंसी, ये कॉमर्स वाले बच्चे इनको लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पेपर आता है 24th May, ये रहेगा पॉलिटिकल साइंस का, आर्ट्स वाले बच्चे इसको लेते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस 24th। इसका 25th को रहेगा होम साइंस, जो आर्ट्स वाले बच्चे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि होम साइंस ले रखा है उनके लिए ये पेपर रहेगा 25th May को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर आता है 28th May, 28th May को इकोनॉमिक्स का पेपर रहेगा। सारे जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, कुछ आर्ट्स वाले बच्चे भी इसको लेते हैं, ठीक है। इसका 30th May को बायोलॉजी का पेपर रहेगा, जो कि PCB वाले बच्चे उनके लिए रहेगा, ठीक है। फिर 31st May को जो थर्ड लैंग्वेज है यानी कि उर्दू या संस्कृत है जिन्होंने ले रखी, वो बच्चे 31st May को ये पेपर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है थर्सडे 2nd June, 2nd June को फिजिकल एजुकेशन यानी PE वाले बच्चे जो हैं वो उनका पेपर रहेगा 2nd June को। 4th June को जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं वो इस दिन पेपर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 7th June, 7th June को मैथमेटिक का पेपर रहेगा, जो साइंस वाले बच्चे उनका भी रहेगा और जो कॉमर्स में जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक ले रखा है उनका भी इसी दिन पेपर रहेगा 7th June को। यानी बहुत टाइम आपको मिलने वाला है, आप बहुत अच्छे से इसकी स्टडी पढ़ाई कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। इसका 10th June, 10th June को हिस्ट्री का पेपर रहेगा, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो लेते हैं इसको हिस्ट्री को। इसका 13th June को इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या कंप्यूटर साइंस, जिन्होंने जो 6 सब्जेक्ट के रूप में आजकल लेते हैं बच्चे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या कंप्यूटर साइंस, वो बच्चे इनको ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद 15th June को साइकोलॉजी का पेपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से 12th का पेपर है, इसमें काफ़ी अच्छा गैप भी है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, अब अपनी बहुत अच्छी तैयारी करके अच्छे से अच्छा परसेंटेज आप बना सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष में इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।